दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो है डिजले लैब के ऊपर। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे एनकरेज करते रहें। दोस्तों जब आप लॉस एंजेलिस जाए तो डिजनीलैंड तो आप मिस कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा डिजनीलैंड घूमने का सही तरीका कैसा है और कैसे आप पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहली बात है, डिजनीलैंड को देखने के लिए आपको कम से कम 3 दिन चाहिए अगर सही तरीके से देखना चाहते हैं। बच्चों को बड़ा मजा आएगा, तीनों दिन भी उनको पूरा कंप्लीट नहीं लगेगा, लेकिन मैं 3 दिन का बोलूंगा, क्योंकि उसका कारण यह है। अगर आप 1 दिन का पास लेंगे तो यूएसए में सिस्टम ऐसा है कि काफी पैसा, वो पैसा वेरी करता है, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग रेट होगा। अगर आप 2 दिन के लिए लिए तो $105 पर डे लगेगा, 3 दिन के लिए तो $93.34 लगेंगे, जिसमें कि मैजिक मॉर्निंग है। मैजिक मॉर्निंग का मतलब है कि आप बाकी लोग जाने का पहले आप पहले एंट्री ले सकते हो, करीब 30 मिनट्स पहले शायद। और ये बहुत ही बढ़िया पैकेज है, आपको 4 और 5 दिन का लेने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो 3 दिन के लीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहला 2 दिन आप डिजनीलैंड जाइए और जो 3rd डे है उसको आप विजिट करें कैलिफोर्निया एडवेंचर पार्क। डिजनी का एक नया पार्क बाद में आया है, तो डिजनी कैलिफोर्निया एडवेंचर पार्क देखने की 3rd दिन रखें। तो दोस्तों तो इस तरीका से आप यहाँ टिकट यहाँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको उम्र के हिसाब में आपको नंबर भर्ती करना पड़ेगा, 2 एडल्ट है तो 2 एडल्ट और बबच्चे हैं तो 3 से 9 साल के 1 बच्चे। तो 3 दिन का जो टिकट है एडमिशन टू 1 पार्क का है $824 तीनों को मिलाकर, लेकिन पार्क हॉपर विथ मैजिक मॉर्निंग अर्ली एक्सेस। जो पार्क हॉपर मतलब कभी इस पार्क में कभी उस पार्क में आप जा सकते हो, उसका $99.74। तो आप हो सकते आप इसे लीजिए $824 पर 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों शुरू हो जाइए डिजनीलैंड के सैर करने के लिए। अब हम निकल पड़े हैं डिजनीलैंड एनाहिम की तरफ। डिजनीलैंड एक मनोरंजन पार्क है जो अमेरिका के एनाहिम कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। डिजनीलैंड की स्थापना 27 जुलाई 1955 को, इसके अगले दिन यानी 28 जुलाई को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इसका निर्माण खुद वाल्ट डिज्नी ने कराया था, जाहिर है उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है डिजनीलैंड। अभी तक इस पार्क में 50 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं, जिसमें कई राष्ट्रपति, शाही लोग और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण में है मैक स्ट्रीट यूएसए, एडवेंचर लैंड, न्यू ऑर्लियंस स्क्वायर, फ्रंटियर लैंड, ग्रेटर कंट्री, फैंटेसी लैंड, मिकी टून टाउन और टुमरोलैंड। जैसे कि मैंने कहा था, एक तरफ डिजनीलैंड का पार्क है और दूसरी तरफ है कैलिफोर्निया एडवेंचर पार्क। आप जब डिजनीलैंड में पहुंचते हैं, आपको अगर कोई ड्रॉप करने गया है या आपके कार में गए हैं, तो सबसे पहले आपको थोड़ा भीड़ है, थोड़ा लाइन लगता है उधर, आपको कार पार्किंग जगह में जाना पड़ेगा। ये है कार पार्किंग एरिया, वहां कार पार्क करने के बाद आप याद रखें कहां कार पार्क किए हुए हैं, नहीं तो ढूंढने पड़ जाएगा, बहुत सारे कार रहते हैं है? और आपको यहाँ से डिजनी पार्क की तरफ ले जाने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने ट्रैम जैसा गाड़ी,
वो रहते हैं, उसमें फ्री राइड है, आप उसमें बैठिए और अब और यहाँ से सीधा आप पहुंच जाएंगे पार्क के द्वार के समक्ष। Please hold on to hats, glasses, or any loose items that could fall from the train. If an article should fall, please stay seated until the next stop and inform the nearest cast member. Thank you. Resort Main Entrance Plaza, gateway to Disneyland Park, Disney California Adventure Park, and the Downtown Disney District. If you are here just for the day, our one-day park hopper ticket offers same-day admission to both Disneyland and Disney California Adventure. If you have more time to spend, multi-day tickets and annual passes are especially good value. Before entering the parks, we'd like to remind you that smoking is not permitted except in designated areas. बस आप पार्क में पहुंच गए हैं। पार्क में पहुंचने के बाद आपने जो ऑनलाइन जो पेपर बुकिंग किया था, आप यहां पर जाकर अपना टोकन ले लीजिए और यहीं आपको ये सब मिलने के बाद आप कहीं भी अपने डिज्नी पार्क या आप चाहें तो एडवेंचर पार्क में कोई भी जगह एक दिन में एक जगह जा सकते हैं। अगर आपका एक दिन का पास हो तो दोनों पार्क में कहीं भी जा सकते हैं। ये स्थान है विक्टोरिया काल के अमेरिका का याद दिलाने वाला मैच के लिए। आप जब डिज्नीलैंड पार्क पर प्रवेश करते हैं तो आपकी दृष्टि सबसे पहले इसी जगह पर पड़ती है। On a steam-powered journey along the rivers of America. On our trip, we'll visit the magnificent Columbia in the Great Northwest, the powerful Potomac in the Mid-Atlantic, and the rugged Rio Grande along the border of Texas and Mexico. We'll hear the voices of the pioneers,
the native people, and a mischievous character or two, telling the unique stories and legends of life along America's great rivers. We begin our trip on the mighty Mississippi, heading south and ending up down in New Orleans. वाले हैं ये जो देख रहे हैं इट इज अ स्मॉल वर्ल्ड, इसे फिर अगला भाग में देखेंगे, मतलब दूसरे दिन में जब हम यहाँ आएंगे तो वहाँ उसको देखेंगे। और यहाँ का कुछ देखते हुए आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। आपके सब्सक्राइब जितने करते जाएंगे वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसे काफी सारे कई सारे वीडियो बनाने के लिए। प्लीज 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 ध्यान रखिए सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।